शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी पे सीरियस क्वेश्चन मार्क है। मुझे लग रहा है वो चेन्नई में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उनको है बुखार, टीम कह नहीं रही है कि डेंगू है लेकिन शायद है। एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं और हो सकता है बाय द टाइम यू सी दिस हमारे गले में गोल्ड मेडल हो। पाकिस्तान भी जीत तो गया है पर यह जीतना भी कोई एक्चुअली में जीतना है मेरे यार। आपकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं, ये नेदरलैंड्स वाले कह रहे हैं। माई इलेवन सर्कल प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। तो स्टोरीज में सिंपल सी कहानी ये है कि लेट्स स्टार्ट विद शुभमन गिल की बात करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की भी कर लेंगे बात, यार करनी चाहिए क्योंकि उनसे या तो बेस्ट डिलीडे की बात करेंगे। एशियन गेम्स की बात मैं करने वाला हूँ और आज दो मैच है उनकी बात भी करूंगा। देयर इज प्लेंटी टू टॉक सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एडो। शुभमन गिल का देखिए ऐसा है कि तबीयत ठीक नहीं है। राहुल द्रविड़ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आके उन्होंने कहा है कि अभी उनको ही इज नॉट टू बैड एंड वी आर वॉचिंग एंड वी आर नॉट रूलिंग हिम आउट। पर राहुल द्रविड़ साहब जब जब ऐसा कहते हैं तो अमूमन जो है वो खिलाड़ी रूल आउट हो चुका होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रोहित शर्मा के साथ आपको ईशानदार किशन ओपन करते हुए नजर आएंगे। नॉट अ ग्रेट स्टोरी फॉर अ सिंपल रीजन कि शुभमन और रोहित का ना मतलब थोड़ा सा डर है। नॉट दैट कि ईशान का नहीं होगा, पर अब विश्व कप की शुरुआत अपना अपने सबसे बेहतरीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहते हैं। मोहाली में भी धोया था भाई, उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में भी पिटाई की थी हमारे जनाब ने, मारी थी ना, तो चाहिए था कि हो जाते वो, अब नहीं है तो नहीं है। अब शुभमन गिल विल सी। द अदर थिंग जो आ रही है वैसे वहां से खबर कि तीनों स्पिनर्स खेल सकते हैं, तो रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव आपको 8 तारीख को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वेल डन यार, सही है। दूसरी जो मेरी कहानी है वो ये है कि भाई पाकिस्तान जस्ट स्क्रेप थ्रू ना, मतलब ये क्या जीत हुई यार। आई मीन जीते आप बड़े मार्जिन से हो, पर सच्चाई है कि आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाए ये तो मतलब सोचा ही नहीं था। एकदम सपाट पिच थी, सपाट पिच के ऊपर सामने नेदरलैंड्स, नो डिसरिस्पेक्ट, पर 30-3 आप हो जाते हैं, उसके बाद लड़ते झगड़ते एकदम एंड में पहुंचते हो आप। कितने रन बनाए, मतलब इट वॉजेंट अ ग्रेट टोटल ईदर। मैं तो साथ साथ चेक भी कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट टोटल क्या था। 286 आपने बनाए, आप 49 ओवर कुल खेल पाए। कहानी आपकी है ही नहीं, मतलब सौ शकील की बात कर सकते हैं हम, मोहम्मद रिजवान की बात कर सकते हैं, पर सच्चाई है कि तो बेस्ट लीडर की बात ज्यादा करनी चाहिए ना, क्योंकि ये टीम वो है। लेट्स ऑल्सो रिमाइंड आवरसेल्फ कि क्वालिफायर के बाद ना एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेली है ये टीम, एक भी, और उसके बावजूद आके आपको लड़ाई देती है, मतलब टक्कर देती है और एक सपाट पिच के ऊपर देती है। तो बेस्ट लीडर 4 विकेट उन्होंने चटकाए, मेरे विचार में तो मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे। 4 विकेट उन्होंने चटकाए, 1 विकेट मिला वैन मीकरेन को, 2 एकरमैन को, सबने अच्छी अच्छी गेंदबाजी की, काफी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, पर 286 पे रोका यार। और एक समय पे तो लग रहा था कि टीम अच्छा खेल रही है। लेट्स बी फेयर, एक ओपनर जरूर आउट होते हैं, पर देयर वॉज अ चांस एक टाइम पे क्या था 120 पे 2 थे आप, पर वही होता ना 50 ओवर के मैच में पकड़े जाते हो आप, पकड़े गए अंत में जाके, जीत गई टीम पाकिस्तान, हारिस के 3 विकेट भी थे, पर मेरे विचार में तो बहुत ही लैकलस्टर सा परफॉर्मेंस था ये पाकिस्तान का। आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी। बेस्ट डीडे टाटा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, तैयार हो जाइए आप, मैं कह रहा हूँ आएगा पक्का। माई इलेवन सर्कल पे आज आपको 2100 रुपये कैश मिल सकता है, बोनस कैश मिल सकता है। कैसे? सीधा आप डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप पहला डिपॉजिट करेंगे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और जब आप मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो फिर वहाँ ऑडी जीतने का मौका है यार, एसयूवी मिलती है, 500 ग्राम गोल्ड मिलता है, लंदन जाने का मौका मिलता है, सब कुछ कहाँ मिलता है? माई इलेवन सर्कल पे मिलता है। तो प्लीज डाउनलोड दी ऐप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पिंड कॉमेंट में भी डाल दूंगा, तो और क्या बात है। कल का मेरा मैच उतना अच्छा नहीं रहा था, आई बी ऑनेस्ट, हालांकि शुरुआत हमने बहुत अच्छे से की थी इस टूर्नामेंट की, अंत उतना अच्छा नहीं था, मतलब अंत क्या होता है, सेकंड मैच अच्छा नहीं था, क्योंकि शाहीन शाफरी जी ने और बाबर आजम ने कर दिया, कप्तान वाइस कप्तान थे मेरे। अब इस मैच के लिए एक्चुअली हमें साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए टीम बना रहा हूँ, जो दिल्ली का मैच है। तो क्विंटन डीकॉक, हेनरिक क्लासन, प्रथम निशंकर, रासी फान डूसन, एडन मार्कर, मार्को यानसन, धनंजय डिसिल्वा अभी मैंने रखा है, हो सकता है कुसल मेंडिस को भी यहाँ जरूर रखूँ, कगिसो रबाडा, तीक्ष्ण आपत्ति राणा, आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप के साथ में जा रहा हूँ, पर मैंने पूरी टीम अभी नहीं बनाई है। पिच देख के, टॉस देख के आई डिसाइड कि किसको खिलाना है, किसको ड्रॉप करना है, कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा। क्विंटन डीकॉक की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान तो ज्यादा है, एडन मार्कर उनकी तरफ भी मेरा रुझान ज्यादा है, पर दैट आई शेयर विद यू ऑन माय टेलीग्राम। अभी के लिए माय इलेवन सर्कल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। मेरी जो चौथी स्टोरी है बड़ी अच्छी स्टोरी है एक्चुअली, दैट इज द फील गुड स्टोरी। वो स्टोरी है कि इंडिया पहुंच गया फाइनल्स में, बांग्लादेश को हराया और एक तरफे मुकाबले में हराया यार। इंडिया इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। एक तो पहली बात तो ताली बजाओ सारे और जय हिंद भी बोलो, क्योंकि 100 मेडल हो गए हैं,
100 मेडल्स आज तक कभी हमने गेम्स में नहीं किया है, एशियन गेम्स में, या हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी समय है। आज भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीत सकती है क्योंकि कल बांग्लादेश को एक तरफा मैच में हराया है। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया, हम थोड़े हैरान थे कि यार पेस बॉलर भी आपने कम कर दिए हैं, फिर पहले बॉलिंग भी कर ली है, इट्स डिफिकल्ट पिच टू बैट। उनको तो 96-97 रन पे रोक दिया और फिर ऐसे ऐसे करके फटाफट से बना दिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैच ही नहीं हो रहा, इट्स कंप्लीट मिसमैच। द काइंड ऑफ डोमिनेंस आप देख रहे हैं इस भारतीय टीम से मेरी नजर ना लगे। तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग में इन्होंने कमाल कर दिया, पिछले मैच में यशस्वी ने किया था। गेंदबाजी में आप वाशिंगटन सुंदर को देख लो, आप साई सुदर्शन को देख लो, जिसके हाथ में गेंद थमाते विकेट चटकाता है। अर्शदीप सिंह अभी भी मुझे थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, पर ठीक है यार, वो भी ठीक हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। इंडिया पहुंच गया है फाइनल में एंड पाकिस्तान यहां भी आ गया, अफगानिस्तान से हार गए हैं जनाब, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा फाइनल ये अच्छा मैच होगा क्योंकि अफगानिस्तान ना एशियन गेम्स से पहले भी खेले और अच्छा भी किया और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को हरा के आ रहे हैं, मजा आएगा इस मैच, मजा आएगा। देखिए आज हैं दो मुकाबले, उनकी बात मैं करने वाला हूं। पहला धर्मशाला में होगा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में होगा। तो यहां एक सवाल मेरे जहन में आया कि पूछ लेते हैं भाई, अफगानिस्तान क्या दो या दो से ज्यादा विकेट लेगा इन द फर्स्ट 10 ओवर्स? नहीं लेगा, मुझे लग रहा है नहीं ले पाएगा, दो विकेट तो नहीं ले पाएगा ना, इतना आसान काम नहीं होता है, सो आई एम सेइंग नो। और दूसरा जो मैच है वो है दिल्ली में, करेक्ट, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। अब क्या क्विंटन डिकॉक 25,000 रन बनाएंगे? मुझे तो लग रहा है बना देंगे यार, ही इज इन वेरी डिसेंट फॉर्म, तो मैं तो कह रहा हूँ बना देंगे, पर ओपिनियन यहाँ वेस्ट नहीं करूंगा, प्रोवो पे इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अब प्रोवो क्या है? एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अभी तक तो आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब आपकी जो भी इंटरेस्ट हो, वो क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब, वेदर, जो भी हो, आप वो कैटेगरी को चुन सकते हैं और हाँ या ना में आसान से आसान सवालों के जवाब दे सकते हैं। जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विदड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सभी के जरिए, और मेरे दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मिल सकते हैं आपको ₹25। करोड़ों लोग खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं, आप भी खेल जाओ, जीत जाओ बहुत सारा मुनाफा, पर दिमाग का इस्तेमाल करना और एक बात याद रखना कि इन्वेस्ट वाइजली प्ले सेंसिबली ऑलवेज। प्रोमो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मेरे यार। आज के जो दो मुकाबले हैं, पहला मुकाबला जो है वो दिन का मुकाबला, दिस विल स्टार्ट वेरी अर्ली, पहला मुकाबला दिन का इस टूर्नामेंट का, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, धर्मशाला का मैदान। धर्मशाला में शाम को ठंड होनी शुरू हो गई है, तो फिर अच्छा है कि दिन का मैच है क्योंकि बाद में नहीं तो बहुत ड्यू आती, अभी नहीं आएगी क्योंकि दिन का मैच है। बांग्लादेश दे हैव टू स्टार्ट विनिंग, दे हैव टू स्टार्ट प्लेइंग बेटर, अभी ना उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हालांकि अफगानिस्तान के सामने तो ठीक खेल लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आई मीन दे कम वेरी क्लोज, अच्छा खेलते हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजों में लेटन दास, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, इन सबसे महमूदुल्ला भाई अगर खेलते हैं तो मौका, शांतो, हृदय, बैटिंग मतलब पेपर पे तो अच्छी लग रही है, पर क्या उतना अच्छा खेलेंगे, सी दैट इज ऑलवेज द क्वेश्चन। बॉलिंग के अंदर भी धर्मशाला की परिस्थितियां, आई मीन थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद, फास्ट बॉलर्स में मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो हमें लगता है कि बांग्लादेश के बेहतर हैं, पर अफगानिस्तान इज अ गुड टीम यार, गुड टीम, स्पिन शायद इतनी मदद ना मिले यहाँ पर, अगर बल्लेबाजी में उन्होंने रन बना दिए तो मैं कह रहा हूँ मैच बड़ा कमाल का होगा। अभी तक ना वन साइड मुकाबले चल रहे हैं, हो सकता है हमें पहला क्लोज मुकाबला देखने को मिले जिसमें एक तरफ बांग्लादेश, सामने अफगानिस्तान, मजा आना चाहिए इस मुकाबले में। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर अफगानिस्तान जीत जाती है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड पर्सनली, पर मे द बेस्ट टीम मैंने यार। दोपहर का जो मुकाबला है वो मुकाबला होगा फिरोज शाह कोटला में शुरू होगा, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम, वहां पर साउथ अफ्रीका के सामने श्रीलंका है। श्रीलंका थोड़ी सी हैम्पर्ड जरूर है, पर एशिया कप के फाइनल में पहुंचे थे, पाकिस्तान को हरा के आए हैं, दे आर नॉट अ बैड साइड, मतलब इन परिस्थितियों में दे आर अ वेरी डिसेंट साइड। और साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड ये अच्छी फॉर्म के साथ आए हैं, हेनरिक क्लासन का फॉर्म बड़ा कमाल का है, क्विंटन डीकॉक, शुरू में तेम्बा बबूमा, एडन माक्रम बीच में, आई मीन दिस इज अ टीम जो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो जो जिंक्स है इनका, जो चोक शब्द है वो समाप्त हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया होगा, उसकी शुरुआत अभी से करनी होगी। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड हसरंगा और दुष्मंता चमीरा को मिस तो करेंगे, तो फिर उनमें तो सभी कुछ है, प्रथम निशंका हो, कुशल मेंडिस हो, धनंजय डिसिल्वा हो, एवरी असलंका हो, टसुन शनक हो, एवरीबडी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो टीम जो पांच उंगलियों को मिला के ही मुट्ठी बना पाती है। सिंगल सुपरस्टार्स इस टीम में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वार्म अप मैच में पता नहीं कितने बहुत ही रन बनाए थे कुशल मेंडिस ने, फिर भी टीम जो है वो निपट ली थी, दैट्स द रियलिटी। तो अगेन वहां साउथ अफ्रीका का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, बट देन मे द बेस्ट टीम विन यार। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है, माइलम सर्कल का लिंक डाल दिया है, प्रोमो का लिंक डाल दिया है, प्लीज गो चेक इट आउट, कहीं पे आपको मिल रहा है बोनस कैश, ऑफकोर्स 2100 रुपये यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, 25 रुपीज अप टू 25 रुपीज जब आप शुरुआत में रजिस्टर करते हो, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और किसी के लिए नहीं है, तो फिर फटाफट से जाओ चेक इट आउट आज के लिए।